यूपी के रामपुर में विद्युत विभाग की ओर से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्युत विभाग के लोग अलग अलग टीमें बनाकर कई मोहल्लों में एक साथ चेकिंग अभियान के तहत बिजली चोरी की धरपकड़ कर रहे हैं। आज आगापुर रोड पर भी विद्युत विभाग ने बिजली का चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें भाजपा नेता के आवास पर बिजली चोरी पाई गई। उसके खिलाफ पहले भी FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उनके घर पर बिजली से चोरी चल रही थी, जिसमें भाजपा नेता ने बिजली कर्मियों से बदसलूकी की और धमकी भी दी। वहीं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम भीष्म कुमार ने कहा, हमारे MD साहब के निर्देशन में एक बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। रामपुर शहर में लगभग 5 से 6 हजार ई रिक्शाएं हैं, जो अवैध रूप से बिजली चोरी कर चार्ज की जा रही हैं, जिसमें हमने संडे के दिन 40 ई रिक्शाएं चार्ज होती हुई पकड़ी थी नवाब गेट बिजली घर के पास से, और लगभग 15 से 20 रिक्शे छत्रपाल यादव के घर से भी चार्ज होती हुई पकड़ी। सितंबर माह में भी इनके यहाँ बिजली चेकिंग हुई थी, तब भी इनके यहाँ काफी रिक्शे चार्ज होती पकड़ी गई थी, जो सीधा खंबे से तार डालकर चार्ज हो रही थी। इनका 3 किलोवाट का घर का कनेक्शन है और यह उसके अलावा सीधा तार डालकर रिक्शाएं चार्ज करते थे। उस रिक्शा चार्जिंग का इनके ऊपर असेसमेंट बनाया गया, लेकिन इन्होंने असेसमेंट जमा नहीं किया। बार बार कहने के बावजूद कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे कि आज मैं यहाँ बिजी हूँ, आज मैं चुनाव में बिजी हूँ। अभी फिर हमने इनके यहाँ चेकिंग की तो इनके यहाँ फिर कई रिक्शा चार्ज हो रहे थे, मीटर से भी, और उसके अलावा अलग से तार पड़ा था उससे भी चार्ज हो रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? छत्रपाल यादव, जिला पंचायत सदस्य भाजपा। क्या है पूरे बात बताया? दुर्गा कॉलोनी ज्वाला नगर रामपुर, यहाँ 4-5 साल से करीब खम्भे नहीं है, लोग परेशान बहुत हैं और आए दिन तार कट जाते हैं और अवैध वसूली कर रहा है यहाँ के बिजली कर्मचारी। हमने इनसे बहुत बार कहा खम्भे लगा दो, खम्भे नहीं लगाते हैं। जिसका तार टूट जाता है उसे 500 रुपये लेते हैं जोड़ने के, और पूरी कॉलोनी इनके वजह से बहुत दिक्कत में है, और कई बार जानवरों के साथ हादसा हो गया है, और बच्चे आए दिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हादसा होने का डर बना रहता है। कौन लोग हैं, क्या नाम है? यहाँ पे तो पूरी कॉलोनी है। नहीं, ये कौन लोग थे, बीजे वाले क्या नाम है? एडियो साहब हैं ये, और जय साहब, ये अवैध वसूली कर रहा है यहाँ पे और लोगों को परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत की थी मुख्यमंत्री से भी किया आपने? जी हाँ, मुख्यमंत्री पटल पर कल दिन किया, और बाकी मानव अधिकार में दिया है, इनके MD साहब को भी दिया है मैंने कल। अच्छा, हाँ। पैसे की क्या बात है, पैसे जमा करे उसके पैसे बाद? मैंने 20,000 रुपये ने जमा करे थे। 20,000 जमा करने के बाद बोले 2 दिन बाद आपके मीटर लग जाएगा। हम इनके पास चक्कर काटते नहीं लगाया मीटर, फिर उन्होंने मेरे नाम और FIR करा दी। अच्छा, FIR जमा करने के बाद? हाँ, जमा करने के बाद मेरे यहाँ FIR कर दी, बोले 8.5 लाख रुपये जमा करो, ये तब आपका मीटर लगेगा। अच्छा, आपने जमा कितने करे? हमने 20,000 जमा करे इन्हें। अच्छा, मीटर के उसकी रसीद हमारे पास मीटर की। अभी क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहा है कि वो तुम्हारा तरफ तार काट दिया गया है, और जो मेरा घर वाला पर्सनल लोड है वो भी आज काट गए ये लोग। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? अब इनके लिए कल DM साहब से मिलेंगे हम जाके, और जाके लिखित में इनके लिए लेंगे। पैसे ले रहे हैं लोगों से? पैसे मांग रहे हैं लोगों से ही। जिसका पैसा दे रहे हैं उसका तार नहीं काट रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनका तार काट देते हैं। MD साहब, हमारे MD साहब के निर्देशन में जितने भी बिजली चोरी हो रही है उसके खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। रामपुर शहर में करीब 5-6 हजार रिक्शा हैं जो अवैध तरीके से चार्ज होते हैं जी, जिसमें हमने संडे के दिन 40 रिक्शा चार्ज होते हुए पकड़ी थी यहाँ नवाब गेट बिजली घर के आसपास, और इनके यहाँ भी कम से कम 15-20 रिक्शा चार्ज हो रही थी। सितंबर में भी इनके यहाँ पर चेकिंग हुई थी, जब करीब 5 किलोवाट की चोरी थी, सीधा रिक्शा चार्ज हो रही थी सीधे केबल डाल के। इनका 3 किलोवाट का घर का कनेक्शन है, उससे अलग से केबल डाल के रिक्शा चार्ज कर देते हैं। उस रिक्शा चार्जिंग का इन पर असेसमेंट बनाया गया, इन्होंने जमा नहीं किया। बार बार इनसे कॉन्टेक्ट किया गया, जमा कर दीजिए, नहीं जमा करने के लिए तैयार हुए। बार बार बहाना बनाते रहे कि मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, इधर बिजी हूँ। उसके बाद में हमने पिछले, अभी ये संडे गया है, सोमवार की रात में हमने फिर चेकिंग की। चेकिंग में इनके यहाँ पर रिक्शा चार्ज होते हुए मिले, इनके घर के मीटर से भी रिक्शा चार्ज हो रहे थे और अलग केबल से भी रिक्शा चार्ज हो रहे थे। इनको बार बार समझाने पे ये बाज नहीं आ रहे थे, इनकी लाइन काटने के लिए हमने कल आज SDO साहब को और जय साहब को भेजा, पूरी टीम को भेजा, तो उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की बहुत मुश्किल से। जब नहीं माने तो पुलिस को भेजना पड़ा मुझे साइड पर, अपने ऑफिस के स्टाफ को भेजा सपोर्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा बदतमीजी ना करें। लाइन की कट चुकी है। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि खंभे नहीं है, तार नहीं है,
एक्चुअली इनकी जो कॉलोनी है अवैध, मतलब कि अवैध तरीके से किसी भी मतलब डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं है, वहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया कॉलोनी का, वहाँ पे प्लॉट बना के मकान बना के रहने लगे और कनेक्शन लेते समय तथ्यों को छुपा कर कि हमारे घर के पास लाइन है कनेक्शन ले लेते हैं ताकि इन्हें लाइन का चार्ज पे है जमा करना पड़े, 100-100 मीटर 200-200 मीटर पर कनेक्शन ले रखे हैं स्टाफ को बरगला के, JESTU को लोकल स्टाफ को बरगला के, और कनेक्शन ना दें तो इनको ये इधर उधर शिकायत कर देंगे मैं कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, कॉलोनी का इलेक्ट्रिफिकेशन करा नहीं रहे हैं ये लोग, और विभाग के पास में किसी कॉलोनी के इलेक्ट्रिफिकेशन कराने के लिए कोई फंड नहीं होता कि हम कॉलोनी का इलेक्ट्रिफिकेशन कराएं शहर के अंदर और तब कनेक्शन दें। सर क्या जियो है कनेक्शन लेने के लिए कितनी दूरी होना चाहिए? एक कनेक्शन लेने के लिए करीब 40 मीटर की से कम की दूरी होनी चाहिए, देहात में 50 मीटर तक चल जाता है लेकिन शहर में 40 मीटर पर पोल होना चाहिए, वहीं से कनेक्शन दिया जा सकता है। तो इनकी वो दूरी? इनकी दूरी कर 50 मीटर से ज़्यादा है यही जगह नॉलेज में है, और वहाँ पे पहले भी पूर्व में पूर्व के JEO ने एक लंबी लंबी दूरी पर कनेक्शन दे रखे हैं, मैंने चेक किया है। तो अब चूँकि जब कोई कंज्यूमर मकान बना लेता है उसे बिजली की तुरंत आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रिफिकेशन होना डिपार्टमेंट कराता नहीं है और कंज्यूमर पैसा जमा करता नहीं है, वो एन प्रकार अपना कनेक्शन करा लेता है फिर बाद में विभाग के माथे दोष पड़ता है। सर इनका आरोप है अवैध वसूली का जो है ये बिल्कुल निराधार है। अरे सर इनको वो जुर्माना कितना डाला था पहले जो छापा ही मारा था आपने जगह चोरी पकड़ी गई थी उसमें जो जुर्माने का प्रारूप है हमारे यहाँ पर लोड फैक्टर से एक फॉर्मूले से जुर्माना निर्धारित किया जाता है, इन पर करीब 8.5 लाख रुपये का जुर्माना दिया गया था। इनसे बार बार कहा गया था अगर आपका कोई प्रत्यावेदन है कि आपने रिक्शे कब खरीदे हैं तो उस हिसाब से टाइम कम करके उस राजस्व को निर्धारण को कम किया जा सकता है, लेकिन आप जमा करेंगे तब, आप जमा ही करने नहीं आए, डिवीजन में किसी से कॉन्टेक्ट ही नहीं किया भाई हमें पैसा जमा करना है नहीं करना है, और उसके बावजूद भी लगातार बिजली चोरी कर रहे हैं, सीधे रिक्शा चार्ज कर रहे हैं। अच्छा सर इनके खिलाफ जो है कोई कंप्लेंट वगैरह? तीन बार इनकी बिजली चेकिंग हो चुकी है, और आज एक FIR SDO साहब की तरफ से भी और JEE साहब की तरफ से भी दी गई है कि इनके साथ बदतमीजी की गई, बाकी बिजली चोरी में इनकी पहले एक FIR हो चुकी है, दो करंट में।